आपने मोरों की लाइफ तो देख ही ली होगी, जैसे कि एक इंसान रहता उस तरीके से हमारे यहाँ मोर रहते हैं ये। और इनका क्या था कि छोटे थे तो इनकी माँ नहीं थी, तो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल जैनस व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ आई होप। और मैं जा रहा हूँ खेत पर, दवा लग रही है मटर में, तो मुझे वहाँ जाना है खेत पे। मैं निकला हूँ घर से बाहर और जा रहा हूँ खेत की तरफ। ऐसा आज फाइनली 3 दिन के बाद धूप निकली है और अच्छी धूप है, और फिर उसके साथ में अभी हवा बहुत तेज चल रही है और बहुत ठंडी हवा है। कल तो शाम को इतनी तेज आंधी सी चल रही थी बहुत ज़्यादा, कल तो पूरे दिन बादल थे, परसों भी बादल थे, और उससे अगले दिन जो था उस पर तो बारिश हो रही थी। रात को 12 बजे 9 बजे से बारिश शुरू हो गई थी और आज फाइनली बिल्कुल धूप है, बिल्कुल मौसम साफ है, कोई बादल नहीं, और पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। और धूप निकलना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फसल के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, और धूप नहीं निकलेगी तो फसल ग्रोथ नहीं करेगी, और अगर बारिश हो जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। और अब धूप है तो ऐसा मौसम रहता है तो टेम्परेचर ठीक है, हवा चलती रहे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बादल और बारिश होना बहुत बड़ी खतरे की बात है। और मौसम साफ रहता है तब भी उसमें नुकसान होता है क्योंकि उसमें तुसार पड़ता है, मौसम साफ होता है, बादल होते तो तुसार नहीं पड़ता इतना। गैस मैं पहुंच गया खेत पर और मैं पहुंच गया मटर पर, और ये मटर है मेरी, यहाँ आप देख रहे हो, और वो दवा लग रही है उधर देखो, ये इस तरीके की हो गई है मटर बारिश की वजह से। और पहले इसके पानी का छिड़काव लग गया तो पता नहीं था कि बारिश भी हो जाएगी, और बारिश की वजह से ये पत्ते जल रहे हैं इसके और पूरी तरीके से उखड़ना सी शुरू हो गई है मटर। ये यहाँ ये दवा का असर है, इसमें गेहूँ की दवा का थोड़ा, जो सामने जो गेहूँ खड़े हैं वो उनका दवा आ गई थी हवा से, हवा के साथ में, तो ये दवा से जल गई है मटर पूरी। और ये देखो अमरूद का पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं इसके, देख रहे हो आप। और ये खड़ा है इंजन, इंजन से भरा गया पानी, ऐसे ये चल रहा है टैंक ट्रैक्टर के, और टैंक दोनों हैं और उससे स्प्रे हो रहा है। देखो ये अपना हमने देसी जुगाड़ बना रखा है। मटर में दवा इसलिए लग रही है क्योंकि जो तुसार पड़ा था उससे क्या ज़्यादा नुकसान था फली में, वो मोटी नहीं हो रही, वो ग्रोथ नहीं कर रही, वहाँ के वहाँ दाना नहीं पड़ रहा उसमें, तो इसलिए दवा भी लगाई जा रही है क्योंकि वो तुसार का जो असर है वो ख़त्म हो जाए, और उसमें क्या है कि अगर ग्रोथ करेगा तो ही फल ऊपर के लिए बढ़ेगा, अन्यथा बढ़ेगा नहीं, वो वैसे के वैसा ही रहेगा। और मटर में बस टॉनिक लगाए जा रहे हैं, टॉनिक बहुत ज़रूरी है, तो टॉनिक से क्या क्या थोड़ा सुधार होगा उसमें। और अब आज अच्छी धूप निकल रही है, 3 दिन के बाद धूप निकल रही है और मौसम साफ है, ऐसा मौसम रहेगा तो मटर अच्छी हो जाएगी फसल, फिर कोई नुकसान इतना रहेगा नहीं, और बादल बारिश होती है तो उस हिसाब से फिर नुकसान होगा। देखिए ये जा रहा है टैंक का पाइप जो स्प्रे हो रही है, मैं आपको पास चल के दिखाता हूँ, ये हो रहा है पाइप, ये खट्टा पड़ा है और ये लगी हुई है लेबर, ये चल रहा है छिड़काव, ये देखो। गैस मैं जा रहा हूँ अब घर क्योंकि मशीन की जो बेल्ट थी, जो प्रेशर पंप जो पानी का प्रेशर बनाती है, उसकी बेल्ट बार बार उतर रही है पुलिस से, तो ट्रैक्टर पर कसी हुई है क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि बार बार उतर रही है तो वो पूरे सारे खेतों में दवा लगनी पड़ेगी, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा बेल्ट पड़ी थी तो वो लेके आनी है मुझे। गाइस मैं पहुँच गया घर पे और मुझे ढूंढनी पड़ेगी अब बेल्ट, बेल्ट कहाँ पड़ी है ये मुझे पता नहीं है, और मुझे इसमें क्या है कि पूरा ढूंढना पड़ेगा किधर है किधर नहीं है, तो मुझे बेल्ट ढूंढने में लग जाना चाहिए क्योंकि टाइम नहीं है, दिन भी अब 1 बज चुका है और ज़्यादा टाइम नहीं है, और अभी खेतों में दवा लगनी है, कई सारे खेतों में अभी 4 खेत बचे हैं दवा लगाने के लिए। ये बेल्ट टंगी हुई है कुछ, तो ये बेल्ट हैं बड़ी, ये बेल्ट काम नहीं करेंगी, ये मशीन की बेल्ट है, धान मशीन की, मुझे बेल्ट पता नहीं कहाँ रखी हुई है। एक बार मैं अंदर जाके देखता हूँ कब्रों में, अगर उसमें पड़ी हो तो, अंदर बरामदे में रखी हो शायद, तो जल्दी हो जाएगा काम। ये लगा गेट और मुझे खोलना पड़ेगा, खोल लिया, बेल्ट मेरे को कहीं नज़र नहीं आ रही कि बेल्ट कहीं हो,
कब्रे में मैंने हर जगह देख लिया, बेल्ट मुझे कब्रे में कहीं नहीं दिखी। और जिसके यहाँ पे ट्रैक्टर गाड़ी घोड़े जो भी होते हैं ना, उनके यहाँ भंगार ज़्यादा मिलता है। कबाड़ा एक, अब पता नहीं कहाँ किस कबाड़े में पड़ी होगी बेल्ट, मुझे वो सब जगह ढूंढनी पड़ेगी। मुझे इनके ऊपर भी देखना पड़ेगा कहीं इनके ऊपर ना पड़ी हो जो कुठिए रखे हैं, और मुझे इस पर चढ़ के जाना पड़ेगा कुर्सी पे, मैं वहां तक पहुंचूंगा नहीं भाई। इस पे भी कहीं भी बेल्ट नजर नहीं आ रही मेरे को, एक भी पर। 1 2 3 4 5 6 रखी हुई हैं छोटी बड़ी सारी, लेकिन किसी पे बेल्ट आपको नजर आ रही है? कहीं नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही भाई। मैंने हर जगह देख लिया, मैंने इसके नीचे भी देख लिया, नीचे नीचे तो नहीं है कहीं, लेकिन वो कहीं भी मेरे को नजर नहीं आ रही कहाँ पर है। गैस ये आ गए हमारे अमरूद के पे पौधे, और ये हमारे बाग में लगेंगे। ये 300 पौधे हैं ये मंगाए हैं, और ये अभी यहाँ है, कुछ दिन में इनका रोपाई होगी बाग में, ये रखे जाएंगे अमरूद के पेड़। गैस मैं आया हूँ छत पर देखना, और छत पर ये देख रहे हो आप कबाड़ा पड़ा, और इसमें ही बेल्ट पड़ी है। ये देखो ये मैं बेल्ट उठा ली है, ये है बेल्ट, और ये यहाँ डाल रखी है। फाइनली मुझे बेल्ट मिल चुकी है ये, और मैं लेके जा रहा हूँ अब खेत पर जल्दी से। अब मैं जाऊँगा बाइक से, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। अब जा रहा हूँ मैं खेत पर वापस। मैं पहुँच गया खेत पर बेल्ट लेके, और मैं खड़ा हूँ, ट्रैक्टर आ रहा है वो रोड पर, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, और वो ट्रैक्टर आ जाएगा तो बेल्ट उस पर चढ़ जाएगी। गाइस बेल्ट चला दिया है मशीन के ऊपर, और ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, दवा लगना शुरू हो गई है। और मैं दिखाता हूँ पुरानी बेल्ट कहाँ है और नई कहाँ है, तो मैं लेके आया था पुरानी बेल्ट तो ये टंगी हुई है, और नई बेल्ट जो मैं लेके आया था वो छत से उठा के वो चल दी है, और ये मैंने उतार दी। अब तीसरे खेत में स्प्रे हो रहा है मटर में, मटर का जो तीसरा खेत है उसमें आ गए हैं, और अभी हमारे 3 खेत और बाकी हैं स्प्रे लगाने के लिए, और ट्रैक्टर यहाँ खड़ा हुआ है, और सारे लोग उधर पहुँचे हैं, 8 लोग लगा रहे हैं दवा। पाइप पकड़ना पड़ता है, और पाइप नहीं पकड़ेंगे तो मटर क्या है वो टूट जाएगी, और उससे क्या है कि नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। तो वो पेड़ जो, तो जो मटर का जो पेड़ होता है बहुत नाजुक होता है, हल्का होता है, तो उसको जो नोजल वोजल का जॉइंट लगे हुए हैं उससे खिंच जाएगा, तो पेड़ उखड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा बिल्कुल। अब मुझे जाना है घर, क्योंकि घर जाना है क्योंकि बाइक जाएगी बाहर। गया स्कूल से और ये खिला रहा है शानवी को, और देखो ये बस कच्चे में बैठा पड़ा है स्कूल से आने के बाद। मम्मी नहीं तो क्या है चोरा। शानवी शानवी गुड़िया, शानवी शानवी शानवी, हाँ शानवी शानवी है ये। गगस और हो गई शाम, और मेरे साथ है हमारा बांदा डेबिक। ओ सर्दी हो गई है, सर्दी हो गई डेबिक को, और मैंने लगा लिया टोपा, ठंड तो सार पड़ रहा है। और देखो ये भी कम्बल में दबका बैठा है मेरे साथ में। हाय हाय कर दो, हाय करो, हाय हाय कर दो, बोलो हाय, हाय कर दी, हाय कर दो, हाय करो, जल्दी करो, जल्दी करो, आ कर दी कर दी, आहा हा, ठंड है भाई तो सार बढ़ रहा है, बेबी बाहर जाने के लिए कर रहा है। गई शाम, और मैं आ गया घर खेत से, और ठंड ज़्यादा है तो मैंने अपना लगा लिया टोपा, मैंने अंदर भी पहली इनर, और अभी छत पर हूँ तो मैं, और हवा चल रही है तो सार की संभावना तो सार पड़ रहा है। और ये देखो हमारे मोर बैठे हुए हैं यहाँ, ये भी नीचे जाने की कोशिश में है, लेकिन ये अभी नीचे चला गया था फिर आ गया। ये देखो ये बैठा पड़ा है मोर हमारा, टोटो 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 बैठा है ये, टोटो इधर आ, यहाँ इधर देख, इधर ये मेरे हाथ पे बैठ गया, देखो इसके पैर दोनों, और बड़ो वजन इसमें, वजन का बहुत वजन है इसमें देखो, और उठ भी नहीं रहा है मेरे हाथों से, ये उड़ जाएगा, और क्या बात है, उड़ गया उड़ गया उड़ गया ये। और टुक टुक बैठी है वहाँ मोरनी, वो छत पे घूम रही है वहाँ पे, वो आने की फिराक में आ जाएगी घूम के, और अभी वहाँ पे है, और मोर भी उड़ गया। तो वो टोटो वो दीवार पर घूम रहा है, और वो आ जाएगा धीरे धीरे यहीं छत पे ऊपर, और वो यहीं से दीवार से आता है, और वो देखो वो भी टुक टुक जो है, टुक टुक भी वो आ रही है दीवार पे, और वो भी आ जाएगी आराम से आ जाएगी, और इनको कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये जंगल में हमारे तरफ से आज़ाद रहते हैं, इनको आज़ादी रखना बहुत ठीक है, इनको बंद करके रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इनका क्या है कि ये घूम फिर के खेतों में घूम घाम के खा पी के आते हैं, और ये अक्सर घर पर भी चने
आटा और पत्ता गोभी, हरी गोभी और तुम्हारा धनिया, मेथी, पालक सब खाते हैं ये, जितना भी घास फूस वाली सब्जी है। देखो टुक 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 कहाँ पहुँच गया, उस छत पे पहुँच गया वो, देखो वो बैठा है, वो आने के इंतज़ार में, वो आ जाएगा धीरे धीरे, ऐसे ही आएगा, क्योंकि इन्हें रात को अगर थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो ये वहीं बैठ जाते हैं, फिर आते नहीं हैं, इसलिए ये अब आ रहा है धीरे धीरे और अभी आएगा छत पर। मैं यहाँ से हट जाऊँगा तो अपने आप आ जाएगा ये। टोटो तो आ गई, टोटो बैठ गई ऊपर जाके, और देखो अभी थोड़ी देर में मोर भी ऊपर ही आ जाएगा, जो हमारा उसका नाम है टोटो, और वो टुक टुक तो ऊपर बैठ गई जाके। देखो मैं दिखाता हूँ, वो बैठ गई ऊपर जाके टुक टुक, इन्हें नीचे आने में बड़ी दिक्कत हुई, वो तो आ गई ऊपर, वो तो ऊपर बैठ गई। देख लो हम हटे थोड़ा आड़ में हुए और वो आ गया, और अब इसे मैं नीचे लेके जाऊंगा, इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, ये जा रहा है मेरे साथ में जाएगा, ये थोड़ा परेशान करता है सीढ़ियों से। कहाँ जा रहा है उधर चोटो, चल नीचे नीचे, चल नीचे चल, दे रहा ये सबसे नीचे जा रहा है, देखो ये आ गया नीचे, मैं इसको लेके आ गया, और टुक टुक को सिस्टर लेके आएगी, चलो चल अपने बिस्तर में, ये पहुंच गया इसके बिस्तर, आ गया बिस्तर पर। ये फाइनली नीचे आ गई है, वो जा रही है, घूम रही है, टोटो टोटो ये रहा अंदर से आ रहा है घूम के, ये देखो दोनों घूम रहे हैं और दोनों अपने बेड पे जाएंगे आराम से, दोनों बेड पे ही सोते हैं। गाइस आपने मोरों की लाइफ तो देख ही ली होगी, जैसे कि एक इंसान रहता उस तरीके से हमारे यहाँ मोर रहते हैं ये, और इनका क्या था कि छोटे थे तो इनकी माँ नहीं थी तो मैं लेके आ गया था, तो एक को कहते ना जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इनको हमने पाला, अब इनको हमने डैड वैड सब दिया, लेकिन अब क्या है ये कहीं हम इनको आज़ाद छोड़ा है, हमने कोई ये नहीं है कि हमने इनको बांध के रखा है, बिल्कुल आज़ाद है हमारी तरफ से, ये जहाँ भी जाएँ वहाँ जाएँ, लेकिन इनका क्या है ये जाते हैं खेतों में, जाते हैं गांव में, घूमते रहते हैं जंगल में वंगल में सब घूमाते हैं, लेकिन शाम को इनको हुआ कि शाम हो गई तो ये अपने वापस घर आ जाते हैं। इन्हें क्या है कि एक बचपन से जो चीज़ मिली हुई है उनको क्या है कि अब बाहर की जो नेचर हवा जो भी है वो शूट नहीं होगी, और अब ये अपना जो अपने बिस्तर पे बेड पे आराम से सोते हैं पूरी रात, और इनका क्या है डाइट में चने, आटा, पत्ता गोभी, बहुत सारी चीज़ हरी भरी पत्ती सब्जी सब खाते हैं ये, इनको कोई रोक टोक नहीं है, पर एक कीड़े मकोड़े से दूर रखा है, कीड़े मकोड़े तो खाते ही नहीं है ये, अगर खेत खेतों में चले जाएँ तो मोर का तो मेन भोजन है कीड़े मकोड़े खाना, लेकिन वो नहीं मिल पाता इनको, लेकिन हम इनको चने वने खिलाते हैं। मैं आपको जब से मैं इनको लेके आया था छोटे थे, मैं उनको उन उस वो भी मेरे पास क्लिप है, मैं आपको वो सब दिखाऊंगा, उनको एक वीडियो ऐसी शूट करूंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ मोर के बारे में बताऊंगा, जो मैंने लेके आया उनको, कब से मैं कैसे पाला, क्या किया, क्या डाइट दी, वो हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा उसमें, तो मैं ही वीडियो को करता हूँ एंड, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।